वंस अगेन आई वेलकम इन द आरएम क्लासरूम। सो जो कल जो क्वेश्चन हमने डाला था वो इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी से था, एंड द क्वेश्चन वॉज द क्यूमुलेटिव डेप्थ ऑफ इनफिल्ट्रेशन इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन ट्यूब इनफिल्ट्रोमीटर इज गिवन बाय इक्वेशन कैपिटल एफ इज इक्वल टू 0.2 इंटू टी टू द पावर 0.55, वेयर कैपिटल एफ इज इन सेंटीमीटर एंड टी इन मिनट्स। द इनफिल्ट्रेशन रेट an average infiltration rate in centimeter per minute at the end of 45 minutes are respectively dash and dash, and these are your options. So my dear student, जो है ये equation जो है आपका जो है वो Horton equation से जो derive हुआ है वहां से ये आया है। So हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले तो जान ले कि Horton equation होता क्या है। So Horton equation, हॉर्टन इक्वेशन होता क्या है? सो हॉर्टन इक्वेशन 1933 में दिया गया था, और इसमें जो है वो एक रिलेशन था, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट एनी टाइम टी, एफ टी इज इक्वल टू एफ सी प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी ई टू द पावर माइनस के एच इंटू टी। यही आपका हॉर्टन इक्वेशन था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में एक बार दो बार नहीं आया, लगभग रिपीट होता है ऑल्टरनेट ईयर में, ठीक है। सो दिस इज द हॉर्टन इक्वेशन 1933 में जो है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी का इक्वेशन जो दिया गया था। यहाँ पे सारा टर्म सबसे पहले तो लिख ले, एफ टी जो है वो आपका क्या है, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट टाइम टी, एफ नॉट जो है वो इनिशियल इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इनिशियल इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी आपको एफ सी को जो बोला जाता है वो स्टडी इनफिल्ट्रेशन या कॉन्स्टेंट इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, और के जो है वो क्या है, के एच इज द हॉर्टन डीके कोफिशिएंट, जो आपका फंक्शन होगा किस पे। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ किस पे, सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स पे, और किस पे होगा माय डियर स्टूडेंट, सो वेजिटेशन कवर पे। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स और वेजिटेशन कवर के चीज पे आपका डिपेंड करेगा। सो इसके अगर ग्राफ को देखा जाए, सो इसके ग्राफ को अगर मैं खींचू, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। सो अगर ये हमारा है एफ टी, और ये अगर टाइम है, लेट अस से कि ये हमारा एक्सेस है, तो कुछ इस तरह का ग्राफ आप जो है देखोगे, कुछ इस तरह का, और ये एक्सिस पे हमने रख दिया है क्यूमुलेटिव इनफिल्ट्रेशन कैपिटल एफ। तो क्यूमुलेटिव इनफिल्ट्रेशन जो है, पहले तो इसको दिखा दें कि क्या क्या है इसमें। सो यहां पे जो है, जहां पे आपका कांस्टेंट वैल्यू हो गया है उसे ही बोला जाता है, दिस कांस्टेंट वैल्यू जहां पे हुई है उसे बोला जाता है एफ सी। इनिशियल जो है आपका यहां पे होगा, और दूसरे कर्व में मैं दिखा रहा हूं कुछ इस तरह। सो जहां पे आपका जो स्टडी वैल्यू हुई है वो, तो ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी है आपकी एफ सी, और इसी के करस्पॉन्डिंग अगर यहां पे देखा जाए, यहां पे जो स्टडी वैल्यू हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग ये आपका क्यूमुलेटिव इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट एनी टाइम टी है, ठीक है। सो ये जो टोटल क्यूमुलेटिव या तो आपका एवरेज इनफिल्ट्रेशन कैसे निकाला जाता है, क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, तो यहां पे जो इक्वेशन है एफ टी इज इक्वल टू एफ सी प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी ई टू द पावर माइनस के एच इंटू टी, अगर इक्वेशन ये दिया रहे, यहां पे दिया रहे, तो आप क्यूमुलेटिव इनफिल्ट्रेशन
जिसको हम लोग कैपिटल एफ टी से दिखाएंगे. क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन कैन बी कंप्यूटेड एज, कुछ भी नहीं करना है आपको, इंटीग्रेट कर देना है एफ टी डी टी को, एफ टी डी टी को जीरो से लेके टी तक, यही हमारा क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन होगा आपका जो है ये. दिस इज द क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन. या अनदर टर्म में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एफ टी इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज डी एफ टी बाई डी टी. इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ही हमें निकालना है क्यूमुलेटिव के टर्म में. क्यूमुलेटिव अगर दिया रहे तो हम इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, सो एफ टी इज इक्वल टू डी एफ टी बाई डी टी, उससे इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं. उसी तरह एवरेज इन्फिल्ट्रेशन कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज इन्फिल्ट्रेशन जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि आपका जो है एवरेज इन्फिल्ट्रेशन को हमने डैश से दिखा दिया है, एफ डैश दैट इज इक्वल टू आपका जो आपका क्यूमुलेटिव जो फंक्शन है कैपिटल एफ टी. यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे जो होगा आपका क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन का जो फंक्शन है कैपिटल एफ टी डिवाइडेड बाई टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो आ जाएगा वैल्यू क्या आ जाएगा, एवरेज इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी की वैल्यू आ जाएगी, एवरेज इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी. सो अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन का दिया हुआ है. क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कैपिटल एफ इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है क्वेश्चन में जो कैपिटल एफ इज इक्वल टू कितनी है, 0.2 टी टू दी पावर 0.55 ये आपका क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन दिया हुआ है. तो सबसे पहले तो हम लोग इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी का इक्वेशन लिख ले, तो एफ टी क्या हो जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं, डी एफ बाई डी टी लिख सकते हैं ना, बिकॉज अभी हमने बताया यहाँ पे कि क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन, या तो अगर इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, डी एफ बाई डी टी से. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन जो है वो दिया हुआ है, तो उसको आप इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर दे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो 0.2 इंटू 0.55 टी टू दी पावर 0.55 माइनस 1. तो यहां से आपकी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी की इक्वेशन, क्वेश्चन में यही पूछता कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, सो इट विल बी 0.2 इंटू 0.55. तो ये वैल्यू जो आ गई 0.2 इंटू 0.55, सो ये वैल्यू आ गई 0.11 टी टू दी पावर 1 माइनस 0.55. सो दिस वैल्यू इज 0.-t^-0.45 लिखो, या तो आप लिखो 0.11 डिवाइडेड बाई टी टू दी पावर 0.45. सो यही आपका इक्वेशन आ गया. व्हाट अगर पूछा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट एनी टाइम टी, सो आपका ये इक्वेशन है. लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी निकालना है, इन्फिल्ट्रेशन रेट कब, एट द एंड ऑफ 45 मिनट्स. तो आप निकाल दो, आपने आपके पास इक्वेशन है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी का. सो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट टी इज इक्वल टू 45 मिनट्स पे क्या हो जाएगा आपका, सो ये वैल्यू जो हो जाएगी 0.11 डिवाइडेड बाई 45 मिनट्स. सो 45 टू दी पावर आपकी टी टू दी पावर कितनी है 0.45, तो टी टू दी पावर 0.45. तो यहां से आपकी वैल्यू जो आ जाएगी 0.11 डिवाइडेड बाई 45 टू दी पावर 0.45. तो ये वैल्यू जो आ गई 0.0198 सेंटीमीटर पर मिनट्स, बिकॉज आपका जो टोटल इन्फिल्ट्रेशन है वो सेंटीमीटर में है और टाइम जो है वो मिनट में है, तो यहां पे सेंटीमीटर पर मिनट आ गया. अब दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है माय डियर स्टूडेंट, कि आपको एवरेज इन्फिल्ट्रेशन निकालना है. दूसरा पार्ट में है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज इन्फिल्ट्रेशन. तो एवरेज इन्फिल्ट्रेशन अभी मैंने बताया कि एवरेज इन्फिल्ट्रेशन कैसे निकाल सकते हैं, यहां पे देखो एवरेज इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट एनी टाइम टी पे क्या निकाल सकते हैं, सो जस्ट आपका जो इन्फिल्ट्रेशन क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन एट एनी टाइम टी डिवाइडेड बाई टी. तो यहां पे क्या हो जाएगा एवरेज इन्फिल्ट्रेशन दूसरा पार्ट जो है एवरेज इन्फिल्ट्रेशन एफ बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल एफ
डिवाइडेड बाई टी, कैपिटल एफ का इक्वेशन दिया हुआ है, कैपिटल एफ का इक्वेशन आपके पास है, क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैपिटल एफ जो है क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन की 0.2 इंटू टी टू दी पावर 0.55, 0.2 इंटू टी टू दी पावर 0.55 डिवाइडेड बाई टी। सो यहां से क्या हो गया आपका, एवरेज इन्फिल्ट्रेशन इज इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाई टी टू दी पावर 0.45। तो यहां से एवरेज इन्फिल्ट्रेशन एट एनी टाइम जो एट द एंड ऑफ 45 मिनट वो कितनी हो जाएगी, 0.2 डिवाइडेड बाई 45 टू दी पावर 0.45। तो यहां से वैल्यू जो आ जाएगी 0.2 डिवाइडेड बाई 45 टू दी पावर 0.45। तो ये वैल्यू जो आ गई 0.036। सो एवरेज इन्फिल्ट्रेशन जो है एफ बार इज इक्वल टू आपका आ गया 0.036 सेंटीमीटर पर मिनट। सो आप ऑप्शन अगर मिलाओगे तो आप देख सकते हो कि आपकी जो इन्फिल्ट्रेशन रेट आई है वो 0.019 और 0.036, ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। सो यहां पे लिख सकते हैं कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसी तरह कभी कभी हॉटन मॉडल के बारे में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज हॉटन मॉडल, हॉटन ये अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन है हॉटन मॉडल। सो हॉटन मॉडल अभी हमने बताया कि हॉटन इक्वेशन क्या है, सो हॉटन इक्वेशन जो आपका था क्या, एफ टी इज इक्वल टू एफ सी प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी ई टू दी पावर माइनस के एच इंटू टी। सो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एफ टी माइनस एफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ नॉट माइनस एफ सी ई टू दी पावर माइनस के एच इंटू टी। अब दोनों तरफ लॉग ले ले तो बेस ई, तो क्या लिख सकते हैं एल एन एफ टी माइनस एफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ नॉट माइनस एफ सी यहां पे हो जाएगा एल एन एफ नॉट माइनस एफ सी माइनस के एच इंटू टी। सो अगर मैं देखूं कि ये जो आपका इक्वेशन आया है, अगर मैं बोल दूं कि दिस इज द ग्राफ बिटवीन एल एन एफ नॉट माइनस एफ सी वर्सेस टाइम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि आपका जो टाइम और एल एन एफ टी माइनस एफ सी के बीच का ग्राफ है जिसका आपका इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द प्लॉट, दिस इज द प्लॉट बिटवीन एल एन एफ टी माइनस एफ सी एंड टाइम टी। तो इसकी इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, इंटरसेप्ट जो होगी, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, सो यहां पे इंटरसेप्ट कितना हो गया एल एन एफ नॉट माइनस एफ सी, एल एन एफ नॉट माइनस एफ सी, और स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई, स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप जो हो गया वो आपका कितना हो गया के एच। तो स्लोप जो आपका हो गया के एच और इंटरसेप्ट की वैल्यू जो हो गई वो एल एन एफ नॉट माइनस एफ सी। तो दिस इज द, ये कभी कभी पूछता है हॉटन मॉडल के बारे में। सो आपको इस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको डाल दिया गया था उसमें क्या क्या नोट करना है, तो क्वेश्चन को डायरेक्ट भी बनाया जा सकता था, विद इन मिनट्स आप बना सकते थे, लेकिन मैंने ये भी बताया कि क्या होता है हॉटन इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को आप डायरी में नोट करोगे अपने जो नोटबुक में है कि आज हमने इस प्रैक्टिस को, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद क्या सीखा, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस क्वेश्चन या आफ्टर द अटेम्प्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हम लोगों ने क्या सीखा। तो ये हॉटन इक्वेशन के बारे में सीखा कि हॉटन इक्वेशन क्या है विथ डिफरेंट नोटेशन, की क्या क्या है ये और किस चीज पे डिनोट डिपेंड करता है। इसी हमने ग्राफ को देखा, इसको भी नोट करेंगे, और फिर इक्वेशन के साथ, ये इस इक्वेशन के साथ फिर कैसे क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन हम लोग निकालेंगे। सो क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन कुछ भी नहीं है, जो इक्वेशन आपका दिया हुआ है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट एनी टाइम टी, उसको आप इंटीग्रेट कर दो जीरो से टाइम टी के बीच में, तो वो आपका क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन देगा। अगर आपको इनवर्स में, अगर क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन दिया हुआ है आपको इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी निकालना है, तो आप डिफरेंशिएट कर दो जैसा कि इस क्वेश्चन में था, और फिर उसके बाद एवरेज इन्फिल्ट्रेशन जो हमने बताया कि आपका क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम, तो ये आपका, ये सारा चीज आपको नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, और उसके बाद एक हॉटन मॉडल के बारे में भी थोड़ा सा बताया था, तो इसको भी आप नोट कर लोगे, हॉटन मॉडल, ठीक है।
वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.